तैयारी करके जब भी जैसे कि वो वेट करेंगे चारों का, जैसे भी जो है ट्रायल देखेंगे इसका, रस्ते से चेक करेंगे और पत्ता वगैरह चारों क्या करें, चारों वाले दो दो करके ले लेंगे। निर्भया के गुनाहगारों की फांसी की तारीख को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तय कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करते हुए चार दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद मेरठ के पवन जल्लाद ने मीडिया से बातचीत की। पवन जल्लाद ने कहा कि वो दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है। हालांकि उनका कहना है कि अभी तक उन्हें इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला। जैसे ही उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से निर्देश मिलते हैं तो वो चार दोषियों के वजन को चेक करेंगे और उसके बाद ही फांसी पर लटकाएंगे। मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ मैं इसके लिए। किस तरीके से आपने तैयारी करी है, क्या आपको फरमान अभी तक मिला है? मेरे पे तो अभी कोई वैसे कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 22 तारीख का जो पटियाला हाउस ने निकाला है डेथ वारंट जारी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। और वो तो 22 तारीख में जो भाई डेथ वारंट जारी किया है उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, जो आपको तारीख का पता चल गया, कितने लोगों को फांसी दी जानी? क्या चार लोगों को दी जा रही है? निर्भया के चार लोगों को दी जा रही है। तो अभी तक आपसे जेल प्रशासन ने किसी अभी कोई ऐसा बात नहीं करी? मैं अगर बात करेंगे मैं तैयारी में अपनी जो तैयार हूँ। कैसे शुरू करेंगे तैयारी करके? जब जैसे कि वो वेट करेंगे चारों का, जैसे भी जो है ट्रायल देखेंगे इसका, रस्ते से चेक करेंगे और तख्ता वगैरह चारों क्या करें, चारों वाले दो दो करके ले लेंगे। पवन जल्लाद ने कहा कि जिन्होंने निर्भया के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया उनको फांसी ही दी जानी चाहिए, ताकि समाज में रह रहे दोषियों को इस फांसी के कारण कड़ी सीख मिल सके। पहले लेटर मुझे कोई नहीं मिला, कोई आदेश नहीं था मेरा, क्योंकि 16 तारीख 16 दिसंबर को जो रद्द हो गई थी वो। 16 दिसंबर को जी, तो उसमें आपको तैयार रहने के लिए कहा गया? तैयार रहने के लिए कहा था मुझे। उस लेटर में तैयार रहने के लिए कहा गया था? लेटर नहीं मिला था मुझे इसका, किसने? जेल प्रशासन को मिला? केवल मुझे वैसी सूचना मिली थी मुझे कि आप तैयार रहिए। आप इस फांसी को देने के बाद अगर आप देते हैं तो परिवार वाले के लिए क्या मैसेज होगा? परिवार के लिए जो मेरे 125 करोड़ वासी है मेरे, जो ऐसे ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, ये ऐसे जो है निर्भया कांड करते हैं, बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, तो उनको तो फांसी होनी चाहिए। और मैं भी एक माता पिता होने के जो नाते से कह रहा हूँ मैं, जो मेरे बहन भाई है, मेरे बुजुर्ग है, उनको भी खुशी होगी और मुझे भी बड़ी खुशी होगी। और जो उस लड़की के माता पिता जिनके साथ रेप हुआ था, चलती बस में रेप हुआ था, निर्भया ना करा था, चारों नहीं है, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, उन माता पिता को बड़ा सुकून मिलेगा कि उनको मैं अपने हाथों से लटकाऊंगा। अच्छा, आपके अलावा कोई और जल्लाद भी देश में है जो है? वो लखनऊ में, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने मना कर दी थी। अच्छा, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इसके बाद में? मैसेज अपने 130 करोड़ मेरे भारत जो मेरे भारतवासियों को मैं देना चाहता हूँ कि ऐसी जो निर्भया कांड को तो फांसी जो है बिल्कुल होली ही चाहिए, ताकि आगे जाके लोग बागों के कानों के भी इस चीज़ का ये अंजाम गलत अंजाम होता है। पवन जी, आजकल देखा गया है मतलब जो सिपाहियों से फांसी दिलाई जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे भाई? ये तो जो जेल प्रशासन जाने, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। इस बारे में अगर मुझे ऑर्डर आएगा, मुझे बुलाएगा तो बिल्कुल जरूर जाऊंगा। आपको बता दें कि निर्भया के साथ साल 2012 में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। कई दिन इलाज चलने के बाद निर्भया की मौत हो गई थी। अब इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को डेथ वारंट जारी किया है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने डेथ वारंट जारी करते हुए दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी देने का निर्देश दिया। पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर मामले में दोषी पाए गए। हालांकि दोषियों के वकीलों ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव याचिका दायर करेंगे, तभी दोषी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी दायर कर सकते हैं। मेरठ से आदिल रहमान, पंजाब केसरी टीवी।